तुम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। जिनके वजह से बच्चों को दूध पहुंचता है, लोगों को खाना मिलता है, साफ पानी मिलता है। ये लोग आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग पटना बाहर से आए, लोग उधर से आए हुए हैं, मतलब घर तरफ से मेरा हुआ पटना बस तरफ घर हुआ। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं? हम लोग अपना फंडिंग के पास फंडिंग करके अपना फंडिंग से, और कुछ लोग बाहर के लोग दोस्त लोग हमें हेल्प कर देते हैं। सेल्फ फंडिंग से जो यहाँ मदद हो रहा है वो ज्यादा दिखता है। सरकार मना नहीं कर रही आप लोग को? ये तो इसलिए मना करेगी, इसलिए मना करेगी। सरकार लोग बोल रहा है कि सरकार तो पहुंचाने वाले को भी मना कर रही है। हम जगह पे सुनने को आया है, लेकिन खुद अपना पहुंच पहुंचा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में वो काम कर रहे हैं, जो एक कहानी बनने वाली है। ये सेल्फ फंडिंग से बाढ़ पीड़ितों को न सिर्फ मदद कर रहे हैं, न सिर्फ फंड जुटा रहे हैं उनके लिए, बल्कि डोर टू डोर जाकर उन्हें राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। हम ये तीन नौजवान हैं और ये जो हैं इस घर के मालिक हैं। पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, इन तीनों स्टूडेंट्स के बारे में आप मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो संकट अभी आया, चाहे वो आप कहें राजेंद्र नगर कंकड़बाग, ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं कह लीजिए, कुछ एनजीओस कह लीजिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप कह लीजिए, यही लोग हैं जिनके वजह से लोग आज जिंदा हैं, जिनको पीने का पानी मिलता है, बच्चों को दूध मिल रहा है। सरकार की व्यवस्था क्या है यह सरकार जाने। हमारे घर तक कहें या हमारे मोहल्ले तक कहें, तो इन्हीं लोगों के वजह से आज जो है खाने का सामान मिल पा रहा है या पीने का सामान मिल पा रहा है। ये लोग अगर नहीं होते तो शायद पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता लोगों को। ये हाल हो गया राजेंद्र नगर का। जी जी, आप ये बताइए कि ये 7 दिन कितना मुश्किल भरा रहा है, और अभी भी पानी लगता है कि 1-2 दिन अगर बहुत पंप वगैरह लगाया गया तो कम से कम 2-3 दिन लगेगा। तो ये 7 दिन आपका कितना मुश्किल भरा रहा? मुश्किल तो ऐसा रहा कि मेरा घर तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे था, बच गए, कहने को किसी तरह जिंदा थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पीने का पानी नहीं, सब्जी और खाद सामग्री के लिए इन लोगों पे ही हम लोग निर्भर थे, जो ये लोग कर रहे थे। हम लोग को इन्हीं लोग के कारण बच ही पाए। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे उनका हाल क्या कहें। आपका सारा मंजर आपके सामने है कि जिनका मान लीजिए हॉस्पिटल है, या किन्हीं का न्यूरो सेंटर है, किन्हीं का एक्सरे सेंटर, वो तो सारी मशीनें तबाह हो गई। तो नुकसान की भरपाई तो मुश्किल है। नुकसान का आकलन तो तब करना होगा जब पूरी तरह से पानी निकल जाएगा। माल का क्या नुकसान हुआ वो अलग है, जान का नुकसान क्या हुआ वो अलग है। दोनों तो अपने अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन इन्हीं लोग के कारण तो सही है। और कुछ लोग ऐसा सुनने में आ रहा है जो अपने घर छोड़ के चले गए, उनके घर में रातों रात चोरी क्या है, इसलिए हम लोग घर छोड़ के भी नहीं जा सकते। घर छोड़ के कैसे चले जाएं? पुलिस प्रशासन कहाँ है समझ में नहीं आता। एक बात बताइए, आप इसे मानव निर्मित मानते हैं या प्राकृतिक आपदा मानते हैं? अगर ये प्राकृतिक आपदा होती तो बोरिंग रोड का भी यही हाल होता, पूरे पटना का ये हाल होता। पानी कोई ये देख के तो नहीं बरसता, आज राजेंद्र नगर में बरसेंगे, कल कंकड़बाग बरसेंगे, परसों बोरिंग रोड बरसेंगे। पानी तो सब जगह लगभग बराबर बरसता, हाँ 2-4 mm ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो जल जमाव यहाँ हुआ है वो सेम बोरिंग रोड में भी हो सकता था, वहाँ नहीं हुआ। सगुना मोड़ है, वहाँ नहीं हुआ। ये राजेंद्र नगर ही क्यों, कंकड़बाग ही क्यों, मोनूल्हा के स्टेडियम ही क्यों? और ये हर साल की कहानी है। इस बार पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर साल आप बरसात के समय मोनूल्हा के स्टेडियम आइएगा, 2-3 feet पानी मिलना एकदम नॉर्मल बात है वहाँ पे। तो और लोग अब इस चीज़ को जो है वो मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, भाग में मान चुके। ये हमारे भाग में लिखा हुआ है कि हर मानसून में 2 feet पानी से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा बारिश हुई उस वजह से ये जो सिस्टम फेलियर हुआ वो सामने दिख रहा है आपको। सामने दिख रहा है सिस्टम का फेलियर। ये बताइए, आप लोग डोर टू डोर जाके लोगों को दूध, उनकी ज़रूरत की सामानें पहुंचा रहे हैं, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से कैसे शुरुआत किए हैं इसका? हम लोग पूरा स्टूडेंट लेकिन एक संस्था बनाया, ग्रुप बनाया कि हम लोग किसको मदद करना है। तो स्टूडेंट बहुत काफ़ी दूर दूर से आए, बोले ठीक है, कुछ अपना डोनेट किए, कुछ डोनेट अलग अलग भी लोग भी किए, बाहर से किए, बिहार से किए, फॉरन से भी किए कुछ लोग। उसी पैसा कलेक्ट करके हम अपना टीम मिलकर घर 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 जाकर अपना पैसा से मतलब किन कर सामान पहुँचा रहे हैं।
कितने मतलब लोगों तक आप लोगों ने राहत पहुंचाई? अभी तक तो बहुत, कितना सर बताना संभव नहीं है सर, बताना संभव नहीं। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ मेरा टीम अलग जगह पे पहुंचा हुआ है। 4-5 घंटा से कंटिन्यू इसमें सुबह से ही निकले हुए सर। तो आज ये फर्स्ट टाइम है कि आए हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, हम लोग का टीम इधर मतलब कि हम एरिया में इनके पास फर्स्ट बार आए हैं, इनसे पहले आगे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आए थे हम लोग। आप कुछ बता रहे थे? हाँ सर, पहले हम लोग ग्रुप कुछ मतलब पटना के हर जगह से विद्यार्थी लोग कलेक्ट किए हैं, पटना के पूरे और हर जगह के जहाँ भी हम लोग प्रॉब्लम हो वहाँ से विद्यार्थी, वहाँ पे वो लोकल विद्यार्थी हेल्प करें, हम लोग लोकल ही आदमी हेल्प कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे फंड हम लोग को शुरू में फंड नहीं मिला था, फिर धीरे धीरे अपने पैसे हम लोग कुछ काम किए हैं तो कुछ लोग देख देख के कि हाँ काम हो रहा है तो विश्वास जिता के कुछ कुछ फंड करने लगे, जिस कारण हम लोग फिर अपना फैलने लगे, हम लोग एरिया फैलने लगा और हम लोग डोर टू डोर जाके हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं पटना में? सर हम लोग, मेरा तो घर हुआ पटना से 24 किलोमीटर दूर हुआ नदमा, मेरा हुआ घर उतना पर डे हम लोग आते हैं और मदद के लिए आते हैं। आप भी नदमा के हैं? नहीं सर, हम पटना बस स्टैंड सिपारा से हैं। और आप कहाँ से? कुर्जी में रहकर पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले गया के हैं, कुर्जी में रहकर पढ़ाई करते हैं, सब मेरे दोस्त सब टीम रहे। आप लोग का कितने लोगों का ग्रुप है टोटल? 129 लोग, 150 प्लस लोग का ग्रुप हम लोग का है अभी तक। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम पटना फ्लड हेल्प क्लब से हम लोग खोले थे, हमें नहीं शुरू किया था वो ग्रुप, उस पर जहाँ भी लोग का प्रॉब्लम हो रहा है उसका एड्रेस प्लस नाम लोकेशन सेंड कर रहे हैं और हमारी टीम वहाँ पे जाके हेल्प कर पा रही है, हेल्प कर रही है, रेस्क्यू भी कर रही है मतलब। हाँ रेस्क्यू भी, कुछ किसी को डायरेक्शन छोड़ना हो वहाँ से कैसे भी तो NDRF ले जाके फिर वहाँ से रेस्क्यू करवा के हम लोग निकलवा रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इतनी कम उम्र में एक स्टूडेंट हैं आप, जब पढ़ने लिखने का वक्त है तो इस तरह के सोशल जो काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मतलब सर, मतलब उत्तराखंड में मेरा फैमिली का एक चला गया था, उत्तराखंड जो फ्लड आई थी ना उत्तराखंड में, तो मेरा फैमिली का एक आदमी चला गया था उसमें, मतलब मेरे दूर के भैया थे वो, तब से हम लोगों को लगा कि नहीं हेल्प करना चाहिए, इतना लोग जो मर रहे हैं, शायद बच्चे लोग भूखे नहीं रहे हैं, हम लोग कुछ बच्चे भूखे नहीं रहे हम लोग के मदद के कारण, बस बस इसी में इतना ही खुशी है सर, बच्चे लोग भूखे नहीं रहे हैं। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।